आईपीएल का 15 मैच आरसीबी और लखनऊ के बीच खेला गया। आरसीबी की ने इस मैच में टॉस जीतकर लखनऊ को पहले बैटिंग करने के लिए बुलाया। लखनऊ के लिए केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक ने पारी की शुरुआत की। क्विंटन डिकॉक ने इस मैच में लखनऊ के लिए धमाकेदार पारी की शुरुआत की। क्विंटन डिकॉक ने इस मैच में 56 गेंदों में 5 छक्के और 8 चौके की मदद से 21 रन की बेहतरीन पारी खेली। क्विंटन डिकॉक के अलावा कोई भी अन्य बल्लेबाज लखनऊ के लिए इस मैच में कमाल का प्रदर्शन नहीं कर सका, लेकिन अंतिम ओवरों में निकल्स पूल ने इस मैच को धमाकेदार खत्म किया। निकल्स पूल ने 20 गेंदों में 41 रन की पारी खेली, जिसमें 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। निकल्स पूल की इस धमाकेदार पारी की बदौलत लखनऊ की टीम ने 20 ओवर में 121 रन का टारगेट बनाया। आरसीबी के लिए पहली पारी में ग्लेन मैक्सवेल ने 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। आगे के मैच के बारे में बात करूं, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे चैनल पर आपको एक छोटे सी वीडियो के माध्यम से ही आईपीएल के पूरे मैच की जानकारी मिल सकती है और आपको सभी आईपीएल मैचों की जानकारी सबसे पहले और बिल्कुल सही मिलेगी। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो अभी जाकर के हमारे चैनल को ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको आईपीएल के सभी मैचों की जानकारी सबसे पहले मिल सके। आरसीबी के लिए विराट कोहली और डुप्लेसिस 182 रन का पीछा करने के लिए मैदान पर आए, लेकिन दोनों खिलाड़ी बड़ी पारी नहीं खेल सके। इसके बाद रजत पाटीदार ने 2 छक्के और 2 चौके की मदद से 21 गेंदों में 29 रन की पारी खेली और पाटीदार के बाद में महिपाल लोमरों ने भी 3 छक्के और 3 चौके की मदद से 13 गेंदों में 33 रन की पारी जरूर खेली, लेकिन वो भी टीम को जीत नहीं दिला सके। और इन दो खिलाड़ियों के अलावा आरसीबी के लिए कोई प्लेयर बड़ी पारी नहीं खेल सका और आरसीबी की टीम 19 ओवर में ही 153 रनों पे ढेर हो गई। आरसीबी को 153 रन पे ढेर करने में लखनऊ के मयंक यादव की बड़ी भूमिका रही। मयंक यादव ने इस मैच में 4 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट झटके और मयंक यादव के इस शानदार प्रदर्शन के लिए मयंक यादव को इस मैच में मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर भी कर दें।